हाय गाइस यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम और आज इस वीडियो में चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास फोर्थ का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर सिक्सटीन है ये और इसका नाम है ग्रेट अचीवर्स तो देखिए जो ग्रेट अचीवर्स जो चैप्टर है ये टोटली आपका जो महान लोग हमारे देशों में हुए या वर्ल्ड में हुए जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर में मेनली मैं नोट्स की आप आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नोट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है यानी मेन लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में तो सबसे पहले अगर एक महान इंसान की बात करूं तो वो है मदर ट्रेसा तो मदर ट्रेसा का जन्म जो था वो 1910 में हुआ स्कॉपियो जो कि कैपिटल है मैसिडोनिया की मदर ट्रेसा ने ज्वाइन किया सिस्टर्स ऑफ लॉरिथो इन नाइनटीन में उसके बाद उन्हें अपना नाम टेरेसा जो है सेंट थेरेसिस ऑफ लेसियक्स जो उन्होंने ज्वाइन किया जो कि एक पेट्रॉन था मिशनरीज़ का जो कि काफ़ी सपोर्ट करता था मिशनरीज़ को जब उन्होंने वो ज्वाइन किया तब उन्हें ये नाम मिला इसके साथ ही उन्होंने कुछ बॉर्स कुछ कस्में खाई थी जब वो नन बनी थी नाइनटीन में तो वो कुछ कस्में थी रिलेटेड टू की पॉवर्टी चेस्टिटी obedience सर्विस टू द डाउन रोड इसके बाद मदर ट्रेसा ने वर्क भी किया था एज अ प्रिंसिपल हाई स्कूल इन कोलकाता इसके बाद उन्होंने देखा कि एक बार ऐसी सिचुएशन आई जब कोलकाता की गलियों में लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं जिसके वजह से उनकी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज हुई फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो अपनी ज़िंदगी का आराम है वो छोड़ेंगी और उसके बाद वो अपनी सारी जिंदगी जो है वो डेडिकेट करेंगी पुअर पीपल ऑफ़ इंडिया के वो इसके साथ ही इस काम के लिए उन्होंने एक ऑर्डर ऑफ नर्स जो था उसको बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो कि जिसका मेन उद्देश्य था गरीब लोगों की सेवा करना ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना कोलकाता में इन 1950 इसके साथ ही मदर टेरेसा को लोग टेरेसा को प्यार से लोग जो है मदर के नाम से बोलते थे इन 1952 में मदर टेरेसा ने ओपन किया निर्मल हृदय एक घर जो कि डाइंग डेंटीट्यूट इन कोलकाता यानी जो बेघर लोग हैं उनके लिए ये घर उन्होंने बनाया था जैसे नाम से समझ सकते हैं निर्मल हृदय तो और इन ये एक्सटेंड किया इस काम को फाइव कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसके साथ ही वो सिटीज़न ऑफ इंडिया बन गई नाइनटीन सिक्सटी टू में उन्हें रिगार्डेड एक एक, ऐसा है ना एंजल ऑफ मर्सी के नाम से बोला जाता है इसके साथ ही उन्हें अवार्ड भी दिया गया पेस्टेजियस नोबल प्राइज फॉर पीस नाइनटीन सेवेंटी नाइन में इसके साथ ही उन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला उनके अचीवमेंट्स के लिए नाइनटीन एटी फाइव में उन्हें रेस प्रेजिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स मिला 1990 में मदर ट्रेसक की जो हेल्थ थी कहीं ना कहीं बहुत ख़राब होने लगी और बाद में उन्होंने जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए सिस्टर निर्मला को लीडर चूज़ किया मदर ट्रेसा की डेथ हो गई फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर 1997 में और उन्हें सेंट यानी साधु की जो टाइटल है वो दिया गया सितंबर 2016 में इसके बाद हम जानेंगे इंदिरा प्रिय गांधी के बारे में इंदिरा प्रियादर्शनी गांधी डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जन्म हुआ था नवंबर नाइनटीन नाइनटीन सेवन में इलाहाबाद में जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं इनकी मदर का नाम कमला नेहरू था इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी स्टडीज़ जो थी वो शांति निकेतन जो कि नियर कोलकाता में है वहाँ से कंप्लीट की इसके बाद इन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड से भी अपनी पढ़ाई पूरी करी ये काफ़ी इंस्पायर हुई एक बुक पढ़ के जिसका नाम था जॉन ऑफ आर्क जिसके वजह से इन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिला एक डायनेमिक लीडर बनने का इसके बाद इनकी शा शादी भी हुई फिरोज गांधी से और इनके दो बेटे हैं राजीव गांधी और संजय गांधी इनके फादर की डेथ के बाद इन्हें अपॉइंट किया गया मेंबर ऑफ राज्यसभा व द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया साथ ही बाद में इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इन द कैबिनेट में संभाला इंदिरा गांधी जो फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बनी आफ्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी बनी इसके साथ ही शी रिमेन एज प्राइम मिनिस्टर तीन कॉन्स्टिक्यूटिव टर्म्स में ये प्राइम मिनिस्टर रही थर्ड जो कॉन्स्टिक्यूटिव टर्म था 1966 से 1977 और फोर्थ टर्म था 1982-1984 इन्हें भारत रत्न 1971 में मिला साथ क्यों मिला क्योंकि इन्होंने अचीव किया था एक तरह से अचीवमेंट्स हुई थी प्राइम एज अ प्राइम मिनिस्टर डूरिंग बांग्लादेश वॉर के टाइम ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन एटी फोर को इंदिरा गांधी को एसोसिनेटेड यानी इनकी हत्या कर दी गई थी इनके खुद के बॉडी गार्ड्स ने आ, इनके जो रेजिडेंस थी जहाँ पे रह रही थी उस गार्डन में इसके बाद जानते हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में तो डॉक्टर अबुलफी जम जनलुबीदीन अब्दुल कलाम ऑफ इंडिया ये इनका पूरा नाम था इनका जन्म फिफ्टीन अक्टूबर नाइनटीन थर्टी वन को रामेश्वरम के एक स्मॉल आइलैंड टाउन में हुआ साउथ तमिलनाडु में इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है इनके काम की वजह से एक बहुत ही लीडिंग इनोवेटर विजनरी थे इंडिया के प्राइम प्र, सॉरी प्रेसिडेंट बने इंडिया के 2002 से 2007 तक इन्होंने काम किया फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में वो रहे प्रेसिडेंट बनके के डॉक्टर कलाम जो थे वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते थे इनके फादर बोटमैन थे राबेश्वर में डॉक्टर कलाम को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेशन था फॉर फ्लाइंग फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब ये पढ़े थे तो उनके टीचर ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से सीगल जो है वो फ्लाई करता है जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे जब इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी जब ये पढ़ रहे थे एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी तो डॉक्टर कलाम की इच्छा थी कि वो एयर फोर्स को ज्वाइन करें बट वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए तो उन्होंने फिर अपना करियर एज अ साइंटिस्ट स्टार्ट कर दिया ही इज़ कंसिडर्ड एज़ द फादर ऑफ़ इंडिया उसने एक तरह से इंडिया फ़ादर ऑफ इंडिया गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने में इंडिया को डॉक्टर अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रजिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले नाइनटीन एटी वन में इन्हें अवार्ड मिला पद्म भूषण का जो कि इन्होंने साइंस में काफ़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करा था इस वजह से इसके बाद इन्हें पद्म विभूषण मिला नाइन्टीन नाइन्टी में आ, ही वो स्कनफेड विद द भारत रत्न अवार्ड्स के साथ ही उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला नाइनटीन नाइन्टी सेवन में डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चे से बहुत प्यार था उनकी डेथ जो है ट्वेंटी सेवन जुलाई नाइनटीन टू थाउजेंड फिफ्टीन में हुई हार्ट अटैक की वजह से जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में अपना लेक्चर दे रहे थे उस दौरान इस तरह के कुछ ग्रेट अचीवर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया और एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा के सोर्स भी हैं हमारे यूथ के लिए हमारे फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सो थैंक यू एवरीवन